डॉट क्रिएटिविटी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कठपुतली कैसे बनाएं। तो कठपुतली बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ कपड़े से बनाई जा रही है। और कठपुतली का नाम कठपुतली किस हुआ, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। पहले प्राचीनतम काल में रंगमंच पर खेले जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम में से एक कठपुतली है, जो विभिन्न प्रकार के गुड्डे गुडली और जोकरों के रूप में बनाया जाता था। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पहले के टाइम में लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इसी प्रकार काष्ठ से बनी हुई पुतली का नाम कठपुतली पड़ा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं बनाने का तरीका। सो यहाँ पर जो बनाने का तरीका आप देख रहे हैं वो एक नॉर्मल गुड़िया के रूप में देख रहे हैं। आप इस तरह कठपुतली बनाकर अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं और जान सकते हैं आज की आने वाली पीढ़ी। पहले के टाइम में ऐसा रंगमंच का प्रोग्राम आज टेक्निकल युग के अंदर नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उनको पता चले पहले कठपुतली किस तरह से होती थी और किस तरह से वे मनोरंजन के काम आती थी। तो यहाँ पर हमने जो इनके बाल बनाए हैं वो थोड़ी सी ऊन को ली है, पीछे से उनको सिलाई कर दी है एंड उसकी चोटी इस तरह से बना दी है। और इसको हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनाने वाले हैं, यानी कि ये जो हमारे पास कपड़ा लिया है हमने इसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काट लिया है और इसका हम बनाने वाले हैं इसका लहंगा। तो इस तरह से हम ऊपर से सिलेंगे और नीचे से इसमें गोटे का प्रयोग करके इसको इस तरह सिलाई से कर लेंगे। और ये है इसकी ओढ़नी, जिसको हम चारों तरफ से अच्छे से सिलाई से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस कठपुतली का लहंगा है और इसे थोड़ा सा हम बांधने के लिए हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं थोड़ी सी ऊन, जिससे पहनाने में सुविधा हो। तो ये कपड़े हमारे बन चुके हैं कठपुतली के, इन्हें हम पहना लेते हैं। और मैंने पहले भी कठपुतली की वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट उस वीडियो को मिला था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी इतना ही मिले। आप लोग इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस आज की पीढ़ी नहीं जानती और हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी कला है वो जिंदा रहे। इसीलिए आप लोगों के बीच एक वीडियो के थ्रू ये हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम कठपुतली का जो ओढ़नी है उसको सिलाई से अच्छे से सील रहे हैं और अच्छे से इसको नीचे से भी ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल पहनावा तैयार हो गया है और इसका एक बोले लगा दिया है जो कि इसका गहना है। तो इसकी जो आईज़ हमने ड्रॉ की है वो हमने मार्कर लिया है, ब्लैक मार्कर, उससे हमने आईज़ ड्रॉ कर ली है, आईब्रो ड्रॉ कर ली है एंड थोड़े हेयर भी ड्रॉ कर लिए हैं। साथ ही दोनों हाथों पर बांधा है हमने धागा, जिस इस धागे को पकड़ के ही जो है इस कठपुतली को नृत्य कराया जाता है रंगमंच पर। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम का शोज था पहले के टाइम में। तो इस तरह से हमने दो धागे इसमें बांध लिए हैं और अच्छे से इनमें गांठ लगा दिए ताकि गांठ हमारी खुले नहीं। और इस तरह से इन धागों को पकड़कर इस तरह ऊपर की तरफ खींचकर कठपुतली को डांस कराया जाता था, नचाया जाता था। तो ये है आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।